गुड इवनिंग एवरी। हेलो। हाँ यस सर। हेलो, बस कैसे हो आप लोग? गुड सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आफ्ताब। सर हाँ जी आफ्ताब बोलो। हाँ वैसे कुछ बात करनी थी सर आपसे। जी बोलो। सर आप स्क्रू गाउज, ये रेक्टिलियर मोशन होने के बाद स्क्रू गाउज थोड़ा बता सकते हो? स्क्रू गाउज और वर्नियर कैलिपर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है मुझे, समझा सकते हो? थोड़ा टाइम देके एक क्लास रिवीजन के लिए। अच्छा, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर ना यार। यस सर। स्क्रू गॉज तो मैं, वर्नियर कैलिपर तो मैंने ही करवाया था ना आप लोगों को, शायद उसका लिस्ट काउंट। लेकिन और सर तब भी यस थोड़ी सर, हो रही है कंफ्यूजन, तो आप दोबारा करवा सकते हो सर वैसे होने ठीक है। के हम लोग बाद? ना ऐसा करेंगे ना, कभी संजय वगैरह को ना हम लोग एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर लेंगे उसके लिए, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके सर। संजय को आप लोग का, इस संजय की तो टेस्ट है ना ऑफलाइन, तो यस सर, इस यस संजय को नहीं ऑनलाइन पॉसिबल है। टेस्ट है, ऑनलाइन। ऑनलाइन है सर यस सर। ऑफलाइन यस सर दिसंबर, ऑनलाइन है। ऑफलाइन तो अगले हफ्ते है, अगले अच्छा हफ्ते अगले में। हफ्ते 1 दिसंबर को। अच्छा अच्छा ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। तो कल का टॉपिक आया था ना समझ में? मौसम नहीं क्या, ग्रेविटी किया था ना हमने कल? यस यस सर। सर। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और अभी तो 45 हुआ ही है ना, 50 में स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके ओके सर। ओके
जी आपने आप लोगों ने फॉर्मूला वगैरह याद कर लिया ना सभी, जो भी काइनेमेटिक्स में अभी तक हुआ है, यस सर। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो मैक्सिमम हाइट का, टाइम का, ठीक है, जब हम नीचे से ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं तब, अगर ऊपर हाइट से ड्रॉप करते हैं तब, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज थोड़ा सा थ्योरी चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। इसमें अभी मान लो तो अब अगर हम इसकी बात करें, रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें, तो इसमें एक ही टॉपिक बचा हुआ है, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के बाद हम लोग फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हम लोग रिलेटिव मोशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो जहां तक बात है अभी इसके, तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, किसी हाइट पे, मान लो कोई बिल्डिंग पे खड़ा होके, ठीक है, बॉल को या तो ऊपर थ्रो कर रहा है या नीचे थ्रो कर रहा है, ठीक है। हो सकता है ना कि किसी हाइट पे, मान लो छत पे हो तुम, छत पर से कोई बॉल को नीचे थ्रो करो, ठीक है, किसी वेलोसिटी से। एक तो तरीका हो सकता है कि ड्रॉप ड्रॉप करो, ठीक है। तो किसी हाइट से ड्रॉप का कंडीशन हमने देख लिया है ना, यस सर। ठीक है। अब हम ऐसा भी हो सकता है ना कि हम ड्रॉप ना करके इनिशियल ही कुछ वेलोसिटी दे दे, ठीक है, उस वेलोसिटी से ड्रॉप करें, ठीक है। तो वो हो सकता है, या हो सकता है कि छत से हम ऊपर थ्रो करें, ठीक है। तो ऊपर थ्रो करेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा फिर वो ग्राउंड पे आएगा, है ना। यस सर। तो हम यस ये सर। दोनों कंडीशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो 1-2 मिनट और देख लेते हैं हम लोग। 20 के आसपास है ना अटेंडेंस इस क्लास का? यस सर। ओके, अभी तो 14 ही हो, एक उसमें तो एक मैं ही हूँ। चलो इससे पहले केमिस्ट्री क्लास थी क्या? यस सर। यस सर। कब मैम ने छोड़ा था लास्ट टाइम, कब हुआ था सर? 8:40। 8:40 में? यस सर। अच्छा, आप लोग का फिजिक्स क्लास एक एक दिन गैप करके है ना? यस सर। नहीं, कल था, कल और आज कंटिन्यू है, फिर सैटरडे को होगा, है ना? यस सर। मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हो गया था ये, ठीक है, ये रेशियो याद रखना, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक यस सर। है। यस सर। तो ठीक है, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, तो देखो मान लो मेरे पास ये, मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, इधर बना लेते हैं।
ये बिल्डिंग है, इसका हाइट एच है ना, और यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को ऊपर थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से। तो इसका अगर हम पाथ देखें तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा और फिर नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यस तो अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये फिर छत, ये मान लो ये जो फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे छत है जो, मान लो इससे कितना हाइट ऊपर गया, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। ग्राउंड से जो इसका हाइट हो जाएगा वो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले एक बात बताओ कि इसका अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, ठीक है, तो इसका इनिशियल स्पीड जो है यू रहेगा, जो कि यू हमने कंसिडर किया है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी होगा, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कोई बताएगा? प्लस का होगा एच प्लस स्मॉल एच। प्लस माइनस एच। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इनिशियल ये पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ग्राउंड पे है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा और डायरेक्शन टू वाई फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो नीचे की डायरेक्शन में है ना डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस एच लेंगे ना, बोलो, ओके सर, ओके ठीक है। सर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही देखो, ये ऊपर गया नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट को तो सिर्फ इससे मतलब है कि इनिशियल पोजीशन का है और फाइनल पोजीशन का है, ठीक है। तो फाइनल और इनिशियल के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस जो होगा वो ई ए लेंथ प्लस ये लेंथ पूरा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ठीक है, जो कि माइनस एच होगा। तो हमें टाइम निकालना है कि टाइम कितना लगेगा आने में, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कोई फार्मूला नहीं आएगा, इक्वेशन को ही सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, वो इस इक्वेशन से आएगा, हमें एस सर जो पता है, हाइट ठीक का है। पॉजिटिव और तो ये आ जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी क्या बोलो प्रभा, आप बोल रहे हो? सर जो हाइट का पॉजिटिव और नेगेटिव हेलो, होता है वो हमें कैसे पता चलता है, मतलब जो वी है उसके रिस्पेक्ट में ही देखेंगे हम हमेशा। नहीं बेटा देखो, हमने क्या किया ना, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो यू जो है ना, यू हमने थोड़ा ऊपर किया तो यू का डायरेक्शन ऊपर ही होगा, ठीक है। तो यू का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लग रहा है, कहीं पे भी जाए तो एक्सेलरेशन हमेशा नीचे जी लगेगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस जी होगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव मैंने कंसिडर किया तो नीचे जी होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन निगेटिव होगा जी का। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल, देखो अगर कोई पॉइंट यहाँ है, इनिशियल पोजिशन यहाँ था, ठीक है, और फाइनली ये यहाँ आ गया, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ठीक है, फाइनल की तरफ। तो यहाँ पे इनिशियल बॉल यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे था, इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो नीचे की तरफ है, तो नीचे के डायरेक्शन को हमें निगेटिव कंसीडर करना है कि नहीं? ओके सर, ठीक है। तो यहाँ से हम एस को लिख सकते हैं, एस जो आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू यू, यू जो था प्लस ही था, यू इंटू टी प्लस हाफ एक्सलरेशन माइनस जी और इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस एच इक्वल टू यू इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तुम इसको सॉल्व करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर, सर तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राउंड पे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑन ग्राउंड की बात करें तो देखो, डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी यू है और एक्सेलरेशन जी है, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस यू ए, ए के जगह पे माइनस जी, ठीक है, ए के जगह पे माइनस जी और ए के जगह माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट के जगह
माइनस एच, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर जो आ जाएगा इसको इधर ले आओ, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है, तो वी का जो वैल्यू आएगा ना, ये रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर हटा के रूट ले लो, तो ये है वेलोसिटी एट ग्राउंड, ठीक है। ओके सर, क्लियर है ये, ठीक है। यस यस सर, सर एक बार सेकंड, कोई रिजल्ट नहीं आएगा इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे, ठीक है, एक मिनट दिखाता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड देखो, बॉल को हमने ऊपर से प्रोजेक्ट किया एच हाइट से, ठीक है, यू ऊपर था, ठीक है, वो फाइनली नीचे आया, तो नीचे हमने वेलोसिटी ग्राउंड पे आया तो हमने वेलोसिटी निकाला, तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ माइनस एच हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच, एक्सेलरेशन माइनस जी और इनिशियल स्पीड यू, तो हम इस इक्वेशन से वेलोसिटी हमें वी चाहिए, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वी चाहिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू, एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट की जगह माइनस एच मैंने कुछ किया, तो ये आ गया टू जी एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, तो यहाँ से बी स्क्वायर जो आ गया यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है, इसको मैंने इधर ले आया, तो यहाँ से जो बी आ जाएगा। सर ये पूछना चाह रहा था, हाइट आपने माइनस में क्यों लिया सेकंड इक्वेशन की, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। ये वेलोसिटी ऑन ग्राउंड, ये हाइट नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है, ये एच जो है वो डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके ओके, यहां था फाइनल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एस जो है ना वो माइनस एच होगा। ओके सर, वो कंफ्यूजन हो गई थी हाइट एच। ओके, यहाँ भी माइनस लिया ना मैंने, देखो ठीक है, एस इक्वल टू यू प्लस आर पे केस कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का माइनस एच है, ठीक है, तो ये हो गया, टाइम निकाल दिया हमने और नीचे वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, कोई पूछेगा कि ये हाइट फ्रॉम द, इसका मैक्सिमम हाइट बताओ, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से जो हाइट होगा, तो ग्राउंड से जो हाइट होगा, तो देखो अगर तुम ये निकालो कि मैंने यहाँ से थ्रो किया मान लो, ठीक है, इस हाइट से थ्रो किया, ठीक है, यू से, तो ये कुछ ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आएगा, है कि नहीं, तो अगर हम ये छत से इसका अगर हाइट देखे एच, ठीक है, तो ये अगर एच निकाले, तो एच तुम निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वेशन लगा सकते हो, क्योंकि फाइनली जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी रुकेगा ही ना, ये रुक कर फिर नीचे आएगा ना। यस सर, यस सर, तो तुम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है विक्टर, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम इक्वेशन लगाओगे ना, तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वेशन लगाओगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक के इक्वेशन में इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड जीरो हो गया, और एच निकालना हमें, तो हम ये लगा सकते हैं कि फिर से सेकंड इक्वेशन लगाओ, एच इक्वल टू यू इंटू टी, लेकिन टाइम भी चाहिए ना यहाँ, नहीं ये लगा दो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एक्सेलरेशन माइनस जी और जो हाइट है वो एच, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने ये लगाया, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गया, ठीक है, ऊपर में, तो ये आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, ठीक है, यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, तो यहाँ से एच जो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी, तो छत से वो इतना हाइट गया ऊपर, तो मैक्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड की अगर हम बात करें, ठीक है, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड, तो जो हाइट फ्रॉम ग्राउंड जो हो जाएगी वो हो जाएगी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच ना, यस यस सर, ठीक है, कैपिटल एच तुम्हें गिवन रहेगा और स्मॉल एच हमने निकाल लिया यू स्क्वायर बाई टू जी, तो ये हाइट फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। नहीं बेटा, क्योंकि ये देखो हम यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक,
नहीं बेटा देखो, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, इस इक्वेशन में जो लेते हैं ना डिस्प्लेसमेंट ही होगा। हम यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं तो फाइनल पोजीशन ये है ना, तो इनिशियल पोजीशन ये, तो अब डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक ही लगा रहे हैं ना इक्वेशन। यस बोलो, सर, यस सर, तो तो यहाँ से तो अपवर्ड्स है तो इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव। अब यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर, यस सर, चलो, तो इसमें देखो तुम्हें इक्वेशन लगाना ही पड़ेगा, ये कोई एक फॉर्मूला नहीं बन रहा है, इसको तुम्हें इक्वेशन लगा के सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक यस सर, है। ओके। अब तुम्हें वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन लगेगा, ठीक है, क्या गिवन है, तो उसके अनुसार तुम इक्वेशन लगाओगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉल को नीचे थ्रो कर रहे हैं यू से, ठीक है, एक बॉल को नीचे थ्रो कर रहे हैं यू से, किसी एच हाइट से क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हैं यू वेलोसिटी से। पहले हमने ड्रॉप किया था, ड्रॉप का केस देखा था कि ड्रॉप का केस में क्या क्या होता है, वेलोसिटी आया था रूट 2gh आया था, टाइम जो आया था ये आया था यू बाई जी शायद आया था ना, या रूट 2h/g, टाइम जो आया था रूट 2h/g आया था, ठीक है, जब ड्रॉप कर रहे थे एच हाइट से। तो अब यहाँ पे देखो, जब हम ऊपर से अब थ्रो कर रहे हैं, ड्रॉप के केस में क्या होता था, यू जीरो हो जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे यू जीरो नहीं, यू है, एक्सेलरेशन माइनस जी, ठीक है, नीचे को अगर हम ले ले तो, और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा माइनस एच, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे इक्वेशन लगा दो टाइम निकालने के लिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो टाइम जो आ जाएगा एस माइनस एच इक्वल टू यू माइनस यू, ठीक है, सॉरी यू भी तो नीचे ही है ना, तो निगेटिव आएगा ना, है ना, यस सर, यस सर, प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन से हम लोग फिर निकाल लेंगे। फिर उसी तरह से ग्राउंड पे वेलोसिटी, तो लगा दो ग्राउंड पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑन ग्राउंड, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, ठीक है। तो बी का वैल्यू हमें निकालना है, बी स्क्वायर यू स्क्वायर जो है वो माइनस माइनस रखो या पॉजिटिव, ठीक है, यू स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू टू एक्सेलरेशन माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, तो ये आ जाएगा 2gh, तो और इसको यहाँ पे ले आओ तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू रूट, ठीक है, वो सेम ही यू आएगा, स्क्वायर ठीक प्लस है, टू जी एस। ठीक है बेटा, तो यू स्क्वायर यस प्लस सर, टू जी सही एच का वाला रूट, जो, यस सर, हाँ बेटा, हाँ जी बोलो, ये वाला जो आपने लास्ट में भी डिराइव करा है सर, ये ये वेलोसिटी ऑन द ग्राउंड है। हाँ, ये जो वेलोसिटी है ना बी, वो है वेलोसिटी ऑन ग्राउंड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नीचे। तो सर फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी जब ग्राउंड पे आ गया तो? नहीं बेटा देखो, ग्राउंड को इस वेलोसिटी से हिट करेगा ये, ठीक है, ग्राउंड को हिट करने के बाद ये रुक जाएगा मान लो, ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड को हिट करने वाला यस, होगा ना, तब इस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा ये, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि ग्राउंड को ये ओके, आके ग्राउंड को आके रेस्ट हो जाता है तुरंत, ठीक है, वो इस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। ओके सर, और गॉट इस इट। फॉर्मूला का हम टाइम निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, टाइम कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये था, तो इस केस में देखो होता क्या है ना, कि तुम अगर यू वेलोसिटी से थ्रो करोगे ना, तो जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा ना, इस पॉइंट पे, तब भी इसका वेलोसिटी यू ही आ जाएगा, ठीक है, यू से थ्रो करोगे। देखो ग्राउंड पे देखा था ना कि जब हम ग्राउंड से थ्रो करते हैं, ठीक है, ऊपर, ठीक है, तो जब वो ग्राउंड पे फिर आती है तो सेम वेलोसिटी हो जाता है ना, यस सर, आया था ना पीछे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस लेवल से फेंका गया है, तो यहाँ से ये फेंका गया ना, तो फिर ये यहाँ पे पहुंचेगा ना इसी लेवल पे, तो इसका वेलोसिटी सेम हो जाएगा, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करोगे, ठीक है, तो फिर ये पे इस लेवल पे आएगा ना, तो फिर इसका वेलोसिटी 10 ही होगा, लेकिन डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है।
ओके सर, क्लियर है? ठीक है, यस सर, तो ये था अब देखो एक स्पेशल केस देखते हैं हम लोग, कि हम ऐसा लेते हैं, चलो एक फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, देखना कि मान लो एक हमने किया, एक बॉल को यू वेलोसिटी से, मेरे पास तीन बॉल है मान लो, एक वेलोसिटी को यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया, एक को यू वेलोसिटी सेम से नीचे थ्रो किया, और एक को ड्रॉप किया यानी यू इक्वल टू जीरो से, ठीक है? क्लियर है? बोलो। यस सर, यस सर, यस ठीक है, तो मान लो कि सर, ये टाइम लिया, ये टाइम लिया टी वन, ये टाइम लिया टी टू, और ये टाइम लिया टी थ्री, ठीक है? जब ऊपर से वो नीचे आया ग्राउंड पे तो टी वन टाइम लिया, ये ग्राउंड पे आने में टी टू टाइम लिया, और ये टी थ्री टाइम लिया, मान लो ये ए है, ये बी है, सी है, ठीक है? टी वन टी टू एंड टी थ्री आर टाइम टेकन टू रीच रीच ग्राउंड, ठीक है, बाई बॉल ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तीनों का, ठीक है? तो इस तीनों में एक रिलेशन है, वो है टी थ्री जिसको ड्रॉप किए थे, उसका टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर टी वन इंटू टी टू, जिसको हम लोग कुछ वेलोसिटी से ऊपर और नीचे थ्रो किए थे इसका, ठीक है? तो इस पे रिलेशन मैंने इसलिए लिखा कि क्या होता है ना, कि इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा ऐसा कि मान लो कि इसका इसका टाइम दे देगा, बोलेगा कि एक बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया किसी हाइट से, ठीक है, तो वो टी वन टाइम लिया ग्राउंड पे आने में, और सेम बॉल को हमने क्या किया, अगर मान लो कि नीचे सेम वेलोसिटी से थ्रो किया तो वो टी टू टाइम लिया नीचे आने में, तो उसी बॉल को फिर से अपन ड्रॉप करेंगे तो कितना टाइम लेगा, तो टी थ्री आएगा, वो रूट अंडर टी वन इंटू टी टू, क्लियर है? यस सर, यस सर, सर टी थ्री की लोकेशन कहाँ होगी वैसे? क्या मतलब, एक मिनट क्या बोल रहे दोबारा हैं, आप सर, क्या दोबारा आप लोकेशन? इस फॉर्मूले को बता सकते हैं? हाँ बोल रहा हूँ कि देखो मेरे पास मान लो सेम बॉल है, मान लो ठीक है, पहले हमने क्या किया, ऊपर थ्रो किया एच हाइट से, कोई किसी भी हाइट से मान लो, ठीक है, एच हाइट से ऊपर थ्रो किया तो वो टाइम लिया टी वन नीचे आने में, ग्राउंड पे आने में टी वन टाइम लिया, फिर हम उसी बॉल को क्या किए, नीचे सेम वेलोसिटी से थ्रो किए, ठीक है, वेलोसिटी सेम ही रहा, ठीक है, तो वो टाइम लिया मान लो टी टू टाइम लिया, ठीक है, तो हम ड्रॉप करेंगे उसको, ठीक है, जस्ट हम ड्रॉप करेंगे तो वो कितना टाइम लेगा, ठीक है, तो टी थ्री जो है टाइम ड्रॉप का है वो लेगा रूट अंडर टी वन इंटू टी टू, ठीक है? समझ गए? ठीक यस सर, है, तो हो सकता है तुम्हें टी थ्री दे दे, टी वन दे दे, टी टू पूछ ले, ठीक है, तो कुछ भी दो देकर ना एक पूछ सकता है तुमसे, ठीक है? तो ये याद रखना कि ये जो है ना ड्रॉप वाला का है, ठीक है, वो बाहर रहता है, और जिसको हम वेलोसिटी देते हैं उसका प्रोडक्ट का रूप रहेगा, ठीक है? क्लियर है? यस सर, यस सर, चलो कुछ हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है? कि मान लो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, उसको हमने थ्रो किया और ये कुछ इस तरह से होगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ठीक है? तो होता क्या है कि ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा अपना, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका जीरो होगा, और हमने देखा कि हम ग्राउंड पे से अगर यू से थ्रो करें तो ये जब फिर ग्राउंड पे आता है तो यू वेलोसिटी से ही आता है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं? यस सर, सर, अब हम इसका हर एक लेवल पे बात करें, तो मान लो कि बॉल कहीं यहाँ पे है, ठीक है, तो इस पॉइंट को ये एक दो बार क्रॉस करेगा, एक बार ऊपर जाने में और एक बार नीचे आने में, ए पॉइंट को वो दो बार क्रॉस करेगा, उसी तरह बी पॉइंट को भी वो दो बार, तो हर एक जितना पॉइंट होगा ना, अगर तुम लाइन खींचोगे ना ऐसा ऐसा, हर एक पॉइंट को जो बॉल है वो दो बार क्रॉस करेगा, है कि नहीं? यस एक बार सर, ऊपर जाने यस में, एक सर, बार नीचे आने में, ठीक है? तो होता क्या है ना कि हर एक पॉइंट पे जो स्पीड होती है ना वो सेम ही होती है आने और जाने में, ठीक है? अगर मान लो ये स्पीड u है,
तो घटते घटते जीरो होगा और फिर बढ़ते बढ़ते यू होगा। तो यहाँ पे कुछ भी जो होगा ना, मान लो कि यहाँ पे भी वन हो गया, तो आने टाइम भी यहाँ पे भी वन ही होगा नीचे की तरफ। यहाँ पे मान लो भी टू हो गया तो आने टाइम भी वेलोसिटी भी टू होगा इधर। यहाँ पे मान लो भी थ्री हो गया तो आने टाइम भी थ्री होगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। सेम अगर हम बात करें टाइम की, अगर हम सेम बात करें टाइम की, ठीक है, तो टाइम को अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लेगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लेगा, ठीक है, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ फिर आने में वो लेगा, ठीक है। ओके सर, तो सेम लेवल पे अगर मान लो एक विंडो है, ठीक है, एक विंडो है, तो मान लो एक बॉल को हमने नीचे से थ्रो किया, ठीक है, तो ये विंडो को अगर मान लो 2 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है जाने में, तो आने टाइम भी वो 2 सेकेंड में ही क्रॉस करेगा, ठीक है। यस सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है ना, अगर ये मान लो विंडो है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, तो ये अगर यहाँ से जाने टाइम 2 सेकेंड ले रहा है, तो आने के टाइम जब क्रॉस करेगा तब भी वो 2 सेकेंड में ही क्रॉस टू करेगा, ठीक सेकेंड है। क्लियर है? यस यस सर, यस सर, ये सब यस चीजें याद, हाँ जी, तो ये सब चीजें याद रहेगी ना, तो जो होता है ना क्वेश्चन बनाने में थोड़ा इजी बन पड़ेगा। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि मान लो कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा देता है कि एक बॉल को थ्रो किया गया है, तो बताओ कि वो लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो मान लो लास्ट सेकेंड में 1 सेकेंड, लास्ट के 1 सेकेंड में ये मान लो थ्रो किया गया कुछ वेलोसिटी से, तो लास्ट से 1 सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि अगर मान लो ये जब ऊपर से आएगा तो यू इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा ना, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि वो 1 सेकेंड में नीचे आने में कवर करेगा। और 1 सेकेंड में नीचे आने में कवर करने का टाइम जो डिस्टेंस होता है ना वो हमें पता होता है, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि यू जीरो हो जाता है जब यहाँ से यहाँ लगाओगे ना, तो यू जीरो हो जाएगा। तो इस वैल्यू 10 ले लो और टाइम का वैल्यू 1, तो ये 5 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा यस सर, डिफिकल्ट हो जाएगा, लास्ट सेकंड में निकालना थोड़ा लास्ट सेकंड में निकालना थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें यहाँ से लेकर पहले यहाँ निकालो, फिर यहाँ से यहाँ निकाल के माइनस करो, तो ठीक है ये सब कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम लास्ट सेकंड में अगर पूछेगा तो हम फर्स्ट सेकंड में डाउनवर्ड मोशन का देख लेंगे, ठीक है, या बोले लास्ट 2 सेकंड में तो हम फर्स्ट 2 सेकंड का डाउनवर्ड मोशन देख लेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड इजी हो जाता है, यू जीरो ले लेंगे, एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ। ओके ओके सर, ओके सर, चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन दिख रहा है? सर, चलो सॉल्व करने लग जाओ आप लोगों, मेरा काम हो गया, आप लोग अब शुरू करो। आया किसी का? फोर्थ सर 4 सेकंड, सेकेंड? सर 4 सेकंड, यस सर,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बनेगी, उसमें -2 और 4 आ रहा है, तो 4 सेकंड्स कंसिडर करेंगे। हाँ माइनस टाइम तो माइनस होगी नहीं, ठीक है। यस सर, 4 सेकंड। चलो तो देखो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ना वो -40 हो जाएगी और यू का वैल्यू प्लस में आएगा क्योंकि ऊपर है, ठीक प्लस है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नीचे और यू 10 और एक्सलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं क्योंकि जी का वैल्यू दिया हुआ है -10 का लेने। ठीक है, तो देखो हमने फॉर्मूला लिखा था -h=u(g) -½ j(t²), यही लिखा था ना। तो इसको सॉल्व करोगे -40 = -, सॉरी -, नहीं, u(10)-½ g का वैल्यू माइनस लेने के बाद आया था ना जी का 10 × k², तो ये 5। ठीक है, तो 5 से तुम कैंसिल कर दो 5, 2 और 8, 5 जो है ना। ठीक यस है, तो ये -8 = 2t + t², -t²। ठीक है, ठीक -t² है, तो क्या करो तुम सभी को इसको इस सभी को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा k²-2t - 8 = 0, है ना। इसको सॉल्व करोगे, यस टू सर। टी को क्या लिख सकते हो, सर फोर माइनस और टू टी को माइनस क्या टू लिख सकते हो, फैक्टर होंगे। क्या बोल रहे, 4 और -2 फैक्टर आएंगे इसके। तो देखो ना 4 और 2 बोल रहे हो ना। हाँ, तो k²-4t + 2t, या इसको इधर ले आते हैं, +2t - 4t - 8 = 0। तो यहाँ से k²t को कॉमन ले लो तो 1 बचेगा t + 2, और यहाँ से माइनस कॉमन ले टी लो फोर, माइनस फोर ठीक है, t - t + 2 बचेगा। ठीक है, तो 1 तो आ जाएगा t + 2 और 1 आ जाएगा t - 4 = 0। -4 ठीक है, तो यहाँ से एक t का वैल्यू इजी पार्ट। -2 आ जाएगी, तो टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड। ठीक है, टाइम तो निगेटिव होती नहीं है तो टाइम 4 आ जाएगी। ठीक है, चलो यस बहुत यस बढ़िया, सर। चलो अच्छा। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एक तो टाइम ही पूछा है, ठीक है, एक तो टाइम ही पूछा है, दूसरा पूछा है वेलोसिटी डज द पेबल स्ट्राइक द वाटर। अच्छा, नीचे वाटर है ना, चलो एक डिश से थ्रो किया जा रहा है, नीचे वाटर है, ठीक है, तो हाइट ऑफ द ब्रिज पूछा गया है और वेलोसिटी जब वो वाटर को एक करेगा तब, ठीक है। ओके सर। चलो ये सेम क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग क्या ही कर लो, अगर जिससे नहीं होगा अभी तो वो होमवर्क कर लेना। ठीक है, सिर्फ इसमें एक वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी हमने निकाला था ना ग्राउंड पे, जो वेलोसिटी आया था u²+2gh, ये यस आया सर। था ना, ठीक है, रूट यू यस स्क्वायर यहाँ प्लस से, टू जी एस ठीक है। हाँ, तो इससे निकाल सकते हो। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन करने से आप लोग घर से पे करना, ठीक है, टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं। चलो ये जल्दी से बताओ, ये ड्रॉप का केस है, किसी हाइट से जब ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, तो वो टाइम कितना लेता है,
√2h/g ना, बोलो कितना यस सर, जाएगा आंसर। सर ऑप्शन 2 125। एक मिनट में क्या देख लेता हूँ। यस सर, 125 मीटर। 125 मीटर। यस सर, 125। ठीक है चलो, ये बताओ, ये सब जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। सॉल्व करो आप लोग। सर इसमें एसेंथ वाला फॉर्मूला लगेगा ना, 2 upon u 2n-1। नहीं बेटा, लास्ट सेकंड हमें नहीं ना पता है कि लास्ट कितना टाइम लिया टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लास्ट सेकंड ऑफ मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर इन द फर्स्ट 3 सेकंड इट रिमेन इन द एयर। ठीक है, तो हम ऐसा कर ले क्या कि फर्स्ट 3 सेकेंड में मान लो ये इतना चला, ठीक है, और लास्ट सेकेंड में ये जो भी चला कि इक्वल टू, ठीक है, 1 सेकेंड में, यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी इसका कुछ होगा, ठीक है भी, तो यहाँ पे इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है क्या? इट रिमेन इन द एयर फोर, नो सर, बस नहीं देख लेता हूँ मैं। ये लास्ट सेकंड। और तो देखो एक मिनट, देखो फर्स्ट 3 सेकेंड में ये कितना चलेगा, फर्स्ट 3 सेकेंड में जो चलेगा ये, ठीक है, तो यू इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और फर्स्ट 3 सेकेंड में जो चलेगा यू इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, और एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हम नीचे के -g ले ले, या g ले लेते हैं, -10 ठीक है, ठीक है, -10 ले लो, ठीक है, तो -10 ले लो, तो एस डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव ही होगा। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो एस आ जाएगी वो आ जाएगी, यू तो 0 है, तो यू इंटू पी 0 हो जाएगी, हाफ एक्सेलरेशन 10 ले सर, लिया इसका आंसर हमने। 5 सेकेंड है। एक बेटा मैं देख लेता हूँ बेटा, और ये आ जाएगा, सॉरी कहाँ गया मैं, अच्छा 3 तो 3 का स्क्वायर है ना, ठीक नाइन है, ये तो जी की स्क्वायर बचेगा ना, तो 45। 45 मीटर, ठीक है, यस सर, तो और यही है इसका लास्ट सेकंड का, तो लास्ट सेकंड में कितना चलेगा, ठीक है, लास्ट सेकंड में कितना चलेगा हमसे ये, अच्छा पूछा है कि लास्ट सेकंड में जो चला और ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल है, ठीक है, ये भी 45 है और ये भी 45 है, ठीक है, तो लास्ट सेकंड में अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी भी हो जाएगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा 45, और इनिशियल वेलोसिटी यू जो हो जाएगा हम भी ले लेते हैं, ठीक है, यू का वैल्यू हम भी ले लेते हैं, एक्सेलरेशन तो -g ही होगा, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा 45-, ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड यहाँ से s इक्वल टू यू की प्लस हाफ ए की स्क्वायर, और टाइम बोला है 1, टाइम तो 1 बोला है, तो सब तो दे ही दिया यार, हाफ ए, अच्छा यू की, टाइम तो सर हमें फाइंड करना है ना अच्छा नहीं नहीं बेटा, यहाँ से भी मैं सर, निकाल इसका सकता सिक्स हूँ, ठीक है, सेकेंड हाँ आंसर होगा। देख लेता हूँ बेटा, ठीक है, अगर ये -45 ले ले, ठीक है, इज इक्वल टू यू, ठीक है, टाइम तो 1 सेकेंड होगा ना, क्योंकि लास्ट सेकेंड बोला है ना, यहाँ से यहाँ तक लास्ट सेकेंड ही होगा ना, हम लोग यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं ना, ठीक है, तो 1 सेकेंड ही होगा सेकेंड, ठीक है, और यू भी टाइम 1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10, और ये टाइम 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -45 डी -10
तो जी आ जाएगी 40 मीटर, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 40 नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब देखो कि यू से 40 पे आने में, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में ये 1 सेकेंड लिया, ठीक है। तो यू इक्वल टू 0 से भी इक्वल टू 40 आने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो टाइम जो होता है भी माइनस यू बाई एक्सलरेशन, लिख सकते हैं ना, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है। भी माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी, तो भी हो गया अपना 40 और यू हो गया, यू हमने 0 लिया था और जो एक्सलरेशन है वो चेन है, ठीक है। तो ये 4 सेकेंड आ जाएगा ना, तो ये टाइम आया यहाँ से यहाँ तक का 4 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ इसने 1 सेकेंड लिया था, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, ठीक 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, फाइव ठीक सेकेंड्स है। तो अच्छा क्वेश्चन था, 5 सेकेंड। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है इसमें? हेलो, नो सर। क्लियर है? चल, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। सर एक मिनट, लाइट लास्ट स्लाइड शो कीजिएगा। बेटा देख लो, हो ओके सर। गया। चलो, यस सर। अच्छा आया, हेलो, यस सर। यस सर। आया सर किसी का? कुछ, क्या यस सर, सॉल्व कर रहे हैं अभी बोले? पर। ओके करो। सर इसमें यू 0 है क्या? हाँ, लिखा हुआ है ना, देखो, रिलीज रिलीज, ओके सर। ठीक है। रिलीज के केस में यू 0 लेते हैं हम लोग।
जी आया, नो बहुत सर। चंगा सर मैडम। अरे देखो सर, ऑप्शन आप 4 करा दीजिए एक बार। ऑप्शन 4 आ रहा है, देख लेता हूँ ऑप्शन मैं। देखो एक बात समय तो बताओ, अलग ही आ रहा है। देख लो बजा समझो, अगर हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं या रिलीज करते हैं तो एच हाई जाने में वो टाइम कितना लेता है? टी। तो टी जो आती है वो आते हैं √2HYG, ठीक है। और वही दिया हुआ है कि एच आई खाने में ये की टाइम लिया है, तो ये बोला है कि TY3 पे कहाँ होगा, ठीक है। की टाइम पे ये यहाँ पे है तो TY3 पे कहीं यहाँ पे होगा ना, कि T=0 पे यहाँ से शुरू हुआ, TY3 पे यहाँ, की टाइम पे यहाँ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि TY3 टाइम पे ये कुछ H डैश हाइट पे होगा, और यही H डैश हमें बताना है। तो हम लिख सकते हैं TY3 = √2H·Y·G, है ना। बोलो, यस यस सर, सर, तो स्क्वायर यस। कर दो दोनों को, तो स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा T²/2H·G, और ये आ जाएगा T²/9 = 2H·Y·G। ये दोनों को डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करोगे इसको इसको अलग अलग, तो देखो T²/T² कैंसिल और 9 ऊपर चला, और यहाँ से जी जी कैंसिल हो जाएगा और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा HY·H′। यहाँ से H- जो आ जाएगी HY·9। ऑप्शन डी किसका आया था? आप बेटा नाम बताओ अपना। ठीक पूर्वा, है प्रभा, कैसे किया था आपने? इसी तरह यस किया है सर, क्या? सर मैंने भी ऐसे ही करा था। चलो सही है, ठीक है। तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ड्रॉप करोगे ना तो किसी भी हाइट पे आने में ना, मान लो कि ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड है, ठीक है। अगर मान लो ये H1 हाइट आया नीचे ड्रॉप करने के बाद, तो ये जो टाइम लेगा ना, कि इसका रिलेशन यही आएगा TH·Y·G, ठीक है। अगर मान लो नीचे आने में, ये मान लो यहाँ से आने में T1 टाइम लिया, तो ये आ जाएगा नीचे आना, पूरा H डिस्टेंस है तो, और टाइम लिया T, तो ये हो जाएगा T = √2H·Y·G, ठीक है। ये तो ऐसे ही बता दोगे आप लोग, सर ऑप्शन ए 1 3 5 ठीक सेवन नाइन है। ऑप्शन ए, बोलो, ठीक है। ये क्वेश्चन एक में आया हुआ है, समझे। तो इसको अभी रहने दो, ये करो, ये लास्ट में करेंगे हम लोग, ठीक है। ये सब तो ऐसे ही बता सकते हो। मैक्सिमम हाइट क्या होता है जब नीचे से थ्रो किया जाता है? तो U²/2G ना, जब नीचे से यस थ्रो सर, किया जाता है, ठीक है। तो जो यस सर, मैक्सिमम हाइट जाती है यू से, तो ये आती है U²/2G ना, वैल्यू पुट कर दो, यू का वैल्यू 40 है, तो 40 × 40/2 × 10 ले सर लो जी का एटी वैल्यू, मीटर, ठीक 80 मीटर, है। हाँ जी, 80 मीटर, यस ठीक सर। है। टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, ठीक है। यू वेलोसिटी 50 से थ्रो किया गया है, ठीक है, U = 50 से। तो टाइम कितना लगता है ग्राउंड पे नीचे आने पे? 2U/G ना, मैक्सिमम हाइट पे जाने में U/G, फिर यस नीचे आने में U/G, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो जाता है? 2U/G, है ना। हाँ सर, 10 सेकेंड, सेकेंड्स, भैया, टेन टेन सेकेंड्स 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये सब फार्मूला बेस्ड है, ये सब इसलिए मैं लिया हूँ कि फार्मूला आप लोग याद कर लो, ठीक है। देख रहा हूँ ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन नहीं लगाना, डायरेक्ट फार्मूला याद आएगा, वैल्यू रखो, ठीक है। 30 सेकेंड में आंसर लाओ। हाँ ये करो,
सर 10 सेकेंड्स, 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड सर। 10 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन लगा दिया आपने ना, वी यस स्क्वायर या सर, वी वी इक्वल टू पॉजिटिव, यू प्लस ए की, वी इक्वल टू यू प्लस ए की, ठीक है यस सर, ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छा। यू जो था वो 40 था और एक्सलरेशन नीचे होगा ना, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए की में हमें वी कैलकुलेट करना है। यू 40 माइनस 40 10 माइनस इंटू 10 इंटू 3, 3, ठीक है। तो 40 माइनस 30, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलो, तुम बता सकते हो वेलोसिटी है के इक्वल टू 10 सेकेंड। यस सर। वेलोसिटी है सर 10 सेकेंड निकालो, वेलोसिटी है 10 सेकेंड निकालो इसी में। सर वो तो तो नेगेटिव में नेगेटिव आएगी में ना, चली जाएगी ना, -60 मीटर पर सेकेंड, बट यस, डज नॉट -60 एग्जिस्ट। मीटर पर सेकेंड, -60 मीटर हाँ पर बेटा, हाँ सेकेंड, जी बेटा, सही है। -60 आ रहा ना, भी है 10 सेकेंड, सर, माइनस यस सिक्सटी सर, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है कि देखो ये ऊपर से नीचे आने के टाइम का वेलोसिटी है, ठीक है। 10 सेकेंड पे ना वो ओके नीचे आ सर, रहा होगा, ठीक है, वो नीचे आ रहा होगा। देख लो, वैसे भी इसका टाइम देखोगे ना तो 2u/g से टाइम कितना आ जाएगा, 2 × 40/10, यानी 1 सेकेंड आया था, ठीक है। तो यस सर, 1 सेकेंड तक ऊपर गया और 10वां सेकेंड में तो वो नीचे आ रहा होगा ना, तो इसीलिए माइनस क्या बता रहा है कि नीचे है वेलोसिटी, ठीक है। ठीक सिक्स है, तो b इक्वल टू -60, तो माइनस वगैरह आए तो घबराना नहीं, वो डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। ओके सर, ये कैलकुलेट करो। सर रूट 2 VO, सर रूट रूट टू टू, वी हाँ नॉट, जी ठीक सर है, सही रूट टू वी नॉट, रूट टू टू वी नॉट, है, सर रूट ठीक टू है, वी नॉट। चलो सही है, ठीक है, बहुत तो अच्छा। जिससे भी नहीं हुआ वो फिर से ट्राई करना होमवर्क, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर यस हमें सर, वी नॉट से थ्रो करते हैं तो एच हाइट गया, तो अगर हमें हाइट को डबल करना हो तो कितना वेलोसिटी से, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला कुछ नहीं यस होता, सर, यू स्क्वायर बाई 2g होता है, तो इससे निकाल सकते हो यस एच सर, जो है उनका वो रेशो निकाल प्रोपोर्शनल टू लेंगे, यू स्क्वायर, उनका ठीक रेशो है। हाँ जी निकाल बेटा, लेंगे, हाँ जी, हाँ जी, सही।
है, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। सर 10 कितना बोल रहा है? 10। यस सर। सर √200। √200? ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं हो क्या? यस सर। वेट दे, बोला एक पार्टिकल को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड इस वेलोसिटी है कि हाफ द मैक्सिमम हाई की 10। ठीक है, मैक्सिमम हाई क्या है, जब हाफ पे पहुंचा ठीक है तो उसका वेलोसिटी 10 है, तो मैक्सिमम हाइट अटेन कितना होगा? तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या था? U²/2g ना। यस सर। ठीक है, तो एच डैश पे जब हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट था, नहीं इससे नहीं आएगा ये, ठीक सर है 20 मीटर। 20 आ रहा है, यस देख लेता हूँ क्या 20 आ रहा है। तो देखो, ये मान लो यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे जाना था इसको, ठीक है, जब ये हाइट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा ना H/2 पे, ठीक है, ये पूरा ले लो H, ठीक है, तो H/2 पे पहुंचा तो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ तो फाइनली तो 0 होना है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं ना, दो बार इक्वेशन लगा दें क्या? एक बार मान लो हमने U से थ्रो किया, तो एक बार यहाँ से यहाँ लगा दो, फिर यहाँ से यहाँ लगा दो, ठीक है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ लगाए, ठीक है, तो V², जो कि 10 हो गया, माइनस हम ये इक्वेशन दो बार लगा रहे हैं, V²-U²=2S, तो इनिशियली जब हम यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, तो V², 10 हो गया, -U²=2, एक्सलरेशन -g, ठीक है, तो माइनस माइनस चलो -10, ठीक है, और हाइट हो जाएगा H/2, फिर हम यहाँ से यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ से यहाँ लगाओगे तो देखो फाइनल 0 हो गया, 0 का स्क्वायर -U² इज इक्वल टू 2 -10 इंटू H, तो सर ये जीरो इसमें कैसे हो गया? 10 आना चाहिए था ना, 10² है। फाइनल 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 फाइनल, ठीक ओके ओके सर। है, पहले मैंने लगाया कहाँ से कहाँ तक, ग्राउंड से H/2 पे, ठीक है, फिर हमने लगाया ग्राउंड से H पे, ठीक है, तो चलो यहाँ से तो तुम फिर U निकाल सकते हो, हमें पूछा क्या है, हमसे हाइट पूछा है मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम ना, हाइट होती चलो ठीक है, तो तुम ऐसा करो ना U² का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है, U²= माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2GH, ठीक है, और इस U² को यहाँ रख दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10² 100 माइनस, ठीक है, इसमें और U² की जगह 2GH पुट कर दो इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, -10H, ठीक है, और जी का वैल्यू रख दोगे ना तो ये -20H हो जाएगा, और इधर आएगा तो +20H, हाँ सर ऐसे हाइट 10 मीटर आ जाएगी। 1 मिनट का, हाँ 10 आएगी, ठीक है, यस सर 10 ही आएगी सर।
यस सर। 10 मीटर, ठीक है। सर इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी थी मैंने तो। कैसे निकाले आपने डायरेक्ट मेजर? सर मैंने डायरेक्टली ना, मैंने थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल किया, जो आपने ये है ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एस है ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके 2 GH लिख दिया। हाँ तो बेटा, लेकिन तुम्हें तो इनिशियल वैल्यू से की पता नहीं है ना। लेकिन सर हम उसको 0 एज्यूम कर सकते हैं ना। इनिशियल वैल्यू से की को 0 थोड़े कर सकते, नीचे से थ्रो किया गया ना। जब इनिशियल 0 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा ही नहीं ना, ऊपर से नहीं ना थ्रो किया गया। ठीक यस सर ठीक है। है, समझ गए। हो यस सकता है सर डाटा ऐसा दिया हो, तुम्हारा सेम 10 ही आ गया। ठीक है, डाटा लग रहा था तो गलत हो जाता वो तुम्हारा। ठीक है यस सर चलो, बस हो गया क्या? 1 बजा हुआ है ना ये। सर ऑप्शन सी 12 मीटर्स एंड 3 मीटर्स। क्या ऑप्शन? ऑप्शन थ्री 12 मीटर एंड 3 मीटर, वी आर द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड जॉब फ्रॉम द रूट। नहीं बेटा, सेकेंड का तुम रूप से बोल रहा है ना, फिर से एक बार देख लो आप।
जी देखो होता क्या है ना, इसमें सॉल्व करो। हेलो, ये देखो इसमें ना नल नल वाला भी प्रॉब्लम आता है। इसमें रूफ दिया है ना कि रूफ से गिर रहा है, हो सकता है नल से गिरे, तो मैं एक नल का ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये मान लो नल है। ठीक है, ठीक है, ये नल से ना मान लो कि रेगुलर इंटरवल पे वाटर ड्रॉप गिर रहा है, ठीक है, नीचे। तो क्वेश्चन में अगर हम माने, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर माने, तो इसमें बोला है कि व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीच द ग्राउंड, पहला ड्रॉप रीच हो गया ग्राउंड पे, ठीक ठीक है, पहला ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पे आ गया, तब बोला कि फोर्थ ड्रॉप वो इस नल से गिरने के लिए रेडी है, यानी गिर चुका है मान लो। ठीक है, ये जब ग्राउंड पे आया तो जस्ट उसी टाइम पे चौथा ड्रॉप गिर चुका है। और ये सब देखो, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है, यानी बीच में कितना होगा? हेलो, हाँ जी, हेलो, सर, यस सर बीच में आपके कितना वॉइस होगा? दोबारा बोलिए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो हम यहाँ पे रूफ ना कंसीडर करके मान लो एक नल कंसीडर कर लेते हैं, एक टैप, ठीक है। तो इस टैप से रेगुलर इंटरवल पे वाटर गिर रहा है, ठीक है। हेलो, ओके सर, ठीक है, तो ये रेगुलर इंटरवल पे जब गिर रहा है, तो बोला है कि जब फर्स्ट ड्रॉप ना देन फर्स्ट ड्रॉप रीच द ग्राउंड, यानी फर्स्ट जब ग्राउंड पे रीच हो गया, तो उस टाइम बोला है कि फोर्थ फोर्थ जो है ना वो नल से निकल रहा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है द इंस्टेंट फोर्थ ड्रॉप बिगेन टू फॉल, ठीक है, ये गिरना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राउंड पे पहुंच गया, चौथा फोर्थ ड्रॉप जो है वो निकलने वाला है, तो बीच में कितना होगा? दो ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा ना, यस सर, ठीक है। तो सेकेंड कहीं यहाँ होगा और थर्ड कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है। तो देखो, अगर टाइम इंटरवल सेम होता है ना, तो हर एक टाइम इंटरवल में अगर सेम हो, तो ये एक्स चला, ठीक है, तो ये 3x, तो ये 5x, ऐसा होता है ना कि मान लो, ठीक है, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन से रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो इक्वल टू 0 पे यहाँ है, तो अगला 1 सेकेंड में मान लो एक्स चला, ठीक है, तो फिर अगला में 3x चलता है, फिर अगला में 5x चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है ना, यस सर, बोलो, ठीक है। तो सो कैन यू ये रिपीट? x, अजी बेटा मैं बोल रहा हूँ कि देखो, हमने वो रेशियो लिया था ना, उसका यूज कर रहा हूँ। ऐसा, या तुम ऐसा कर लो कि देखो, या तुम ऐसे सोचो कि ये 4 सेकेंड, ठीक है, मान लो जब ये चौथा गिरने वाला है, उस टाइम को हम ये टी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है, मानते हैं कि टी इंटरवल पे गिर रहा है, रेगुलर इंटरवल टी है, ठीक है, एक गिरा, अगला फिर टी सेकेंड बाद दूसरा गिरा, ठीक है, फिर टी सेकेंड के बाद दूसरा गिरा, ठीक है। तो टी इक्वल टू अगर इसको ले ले, तो ये जो थर्ड है, ये थर्ड है, ये सेकेंड है, तो ये कितना चल दिया? टी, ठीक है, क्योंकि ये जब गिरा तो उतना में तो ये टी सेकेंड हो चुका है ना, यानी ये जो है टी सेकेंड पहले गिरा होगा, और ये जो है 2 टी सेकेंड पहले गिरा होगा, और ये जो है 3 टी सेकेंड पहले गिरा होगा, है ना, डी है ना। यस तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ड्रॉप है, उस टाइम तक 3 टी टाइम चल लिया, और 3 टी टाइम यू इक्वल टू 0 से गिरा है, और 3 टी टाइम लिया चलने में, और एक्सेलरेशन जी था, तो ये 27 चला, ठीक है, 27 मीटर, ठीक है, 27 मीटर चला, अगर हम पहले इससे बात कर ले, तो ये 27 मीटर चला, ठीक है, और टाइम लिया 4 3 की, ठीक है, एस जो हुआ इसका 27, ठीक ओके सर, है, और टाइम जो लिया ये 3 की लिया, और यू इक्वल टू 0 से। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, 27 इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू ले लो, 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ओके सर।
एक्सेलरेशन टाइम का वैल्यू हो जाएगा 3 t स्क्वायर सर ना थ्री बेटा। टी कैसे आया? देखो ये जब 0 पे था ना, मान लेते हैं कि जब फोर्थ गिरा, ठीक है फोर्थ गिर रहा है ना, हम यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि यहाँ पे टी इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो हम मानते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है, और कितना इंटरवल है, रेगुलर इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड का है, 2 सेकेंड का है, कि मान लो कि एक गिरा उसके 2 सेकेंड बाद या 1 सेकेंड के बाद अगला गिर रहा है, ठीक है, वो हो गया इंटरवल। वो इंटरवल हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इंटरवल पे गिर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो ये तो टी सेकेंड चल लिया होगा ना थर्ड, अगर ये अभी गिरने वाला है टी इक्वल टू 0 पे, तो ये तो टी सेकेंड चल लिया होगा, और ये जो है नीचे वाला वो 2 t चल लिया होगा, और ये 3 t, क्योंकि सभी के बीच जो टाइम इंटरवल है वो टी है, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है, तो ये हो ओके जाएगा। सर, देखो अगर हम इसको देखें फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले ग्राउंड पे आ गया है, यानी ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो 27 मीटर है, ठीक है। जो रूफ है उससे ग्राउंड का डिस्टेंस 27 मीटर है, तो हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यू तो 0 हो गया, तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 27 इक्वल टू 5 इंटू 9 टी स्क्वायर, ठीक है। तो की का वैल्यू आ जाएगा √3/5, है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ड्रॉप, तो बोलो सेकेंड ड्रॉप कितना चला। सेकेंड ड्रॉप चल लिया 2 टाइम्स √3/5, और फर्स्ट ये चला √3/5, तो यहाँ से निकाल दो ना, एस इक्वल टू हाफ हाफ जी टी स्क्वायर से ये निकाल दो, इसका डिस्टेंस और इसका, क्योंकि यू 0 था और टाइम पता चल गया, 3/5 चला रूट, और ये भी पता चल गया। तो हम अगर बात है एस ऑफ सेकेंड का, ठीक है, तो सेकेंड चला √3/2, तो हाफ इंटू 10 इंटू √3/2 का स्क्वायर, यानी 3/5, ठीक है, √3/5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3/5 आ जाएगा ना, तो यहाँ से 5, तो ये 5, तो एस सेकेंड का 3 आ गया, ठीक है, सेकेंड का 3 आ रहा है यार। यस सर, 12 and 3, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा एक 12, समझ गए, उसी तरह इसका भी निकाल सकते हो, ठीक यस सर, है, इसका निकालोगे तो आ जाएगा जो भी आना होगा 4 3 12 आ जाएगा, सही है। दूसरा तरीका ये है, देखो दूसरा इससे इजी तरीका ये है कि रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है ना, अगर यहाँ पे ये मान लो फोर्थ गिरा, गिरने वाला है, तो फर्स्ट पहुंच गया है ग्राउंड पे, इस बीच में 2 है, ठीक है, इस बीच में क्या है, 2 है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर ये टी टाइम लिया, ठीक है, ये टी टाइम, तो ये 2 t टाइम, ये 3 t टाइम, ठीक है, तो टाइम इंटरवल अगर सेम होगा ना, तो अगर ये एक्स चलेगा तो ये 2x चलेगा, सॉरी ये 3x चलेगा और ये 5x हो जाएगा, है ना, फाइव एक्स चलेगा सर। यस ठीक है, सर, जो यस रेशियो सर, था ना उस तरह से। तो ये देखो फोर्थ वाला ये यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आने में एक्स प्लस 3x प्लस 5x, यानी एक्स प्लस 3x प्लस 5x, और इसका वैल्यू है 27, तो यहाँ से 9x इक्वल टू 27, तो यहाँ से एक्स जो आ गया 3, ठीक है, तो एक्स 3 आ गया ना, तो अब देखो आंसर भी आ गया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 × x, 3 × 3 9, ठीक है, नाइन। तो टोटल यहाँ से यहाँ का 9 + 3 12 हो जाएगा ना, यस ठीक है। तो कभी कभी होगा ना, तुमसे ग्राउंड से भी हाइट पूछ देगा, कभी कभी ग्राउंड से हाइट पूछ सकता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, क्लियर है, लॉजिक समझ आ गया ना कैसे ओके करना है। सर, तो इस तरह यस से करोगे ना तो सर, इजी पड़ेगा, इसमें ओके कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। टाइम हो गया क्या अपना? यस सर, यस सर, चलो ठीक है, तो ग्राफ कल ही करेंगे हम लोग, ओके सर, ओके सर। ओके सर, सर जो पिछले वाला ओके क्वेश्चन था फाइन। उसे हम सेकंड ट्रिक से भी कर सकते हैं।
हाँ जो मैंने अभी बताया ना लास्ट में, भैया उसे से रिपीट कर सकते एक बार? देखो ये ना कि अगर देखो ये फोर्थ था ठीक है, ये फर्स्ट था तो ये सेकेंड हो जाएगा अपना, ये थर्ड हो जाएगा ठीक है। इंटरवल सेम है ठीक है, तो टाइम इंटरवल सेम होगा ना तो रेशियो भी वही होगा ठीक है। टाइम इंटरवल मैंने देखो पहले 1 1 सेकेंड का लिया था ना, तो कोई भी सेकेंड का टाइम इंटरवल अगर सेम लोगे ना, दो दो सेकेंड का भी लोगे ना, तो रेशियो वही आएगा सॉरी 1:3:5:7 इस तरह से ठीक है। तो इंटरवल चाहे कुछ भी हो, रेगुलर इंटरवल सिर्फ होना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इंटरवल ऑफ टाइम सेम ही है ठीक है। ये इसका टाइम इंटरवल, इसका टाइम इंटरवल और इसका टाइम इंटरवल सेम है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का 3x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से 5x हो जाएगा ठीक है। तो जब रेशियो लेंगे तो 1:3:5 ही आएगा ठीक है। तो हमने x 3x 5x ले लिया। तो जो फोर्थ वाला था ना, फोर्थ जो फर्स्ट वाला था वो तो ग्राउंड पे पहुंच गया, तो फर्स्ट वाला चला कितना, x+3x+5x ठीक है, इतना चला। और ये डिस्टेंस 27 है, तो यहाँ से अपना एक्स का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही एक्स का वैल्यू आया, तुम यहाँ से इसका डिस्टेंस बता सकते हो, यहाँ यहाँ से इसका डिस्टेंस बता सकते हो, ये हो जाएगा 5x ठीक है। x+3x 4x ठीक है, और ये x ठीक है। तो x का वैल्यू 3, यानी यहाँ से इसका डिस्टेंस जो थर्ड वाला का डिस्टेंस है, रूफ से जो थर्ड वाले का डिस्टेंस है वो 3, रूफ से जो सेकेंड वाला का डिस्टेंस है वो x+3x यानी 4 x, और x का वैल्यू 3 है, 4 × 3 = 12 ठीक है। ओके सर, क्लियर। चल चलो, सभी को क्लियर है आज का टॉपिक क्या? यस सर। चलो सही है। तो अटेंडेंस कम लग रहा है आज का, क्यों? रीजन बता सकते हो? सर डोंट नो। सर शायद अभी थोड़े कम ही बच्चे ज्वाइन होते हैं सर इस टाइम के बैच में। अच्छा चलो ठीक है। तो एवरीवन ओके सर, गुड नाइट। ओके, बाय, गुड नाइट बाय, एवरीवन, गुड नाइट बाय सर, बाय, बाय। गुड गुड नाइट नाइट, सर, बाय बाय। गुड नाइट, बाय।